Hello students, today we are going to discuss an overview of the federal budget for the fiscal year 2023, and we are also going to discuss that why Pakistan risks going sovereign default or declaring sovereign default. First of all, regarding the federal budget, it is a race between resources and expenditures. Now vis-a-vis the resources, where do they come from? Wo kahan se aate hain? There are tax resources or tax revenue, and there is non-tax revenue. ठीक है, और ये तो रेवेन्यू हो गया, उसके अलावा आपकी बोरिंग आ जाएगी, ये तीनों मिला के आपके रिसोर्सेज बन जाते हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस देम वन बाय वन, एंड आई आल्सो प्रोवाइड द नंबर्स एंड द फोटो ऑफ दिस विल बी अवेलेबल विद यू इधर इन द वीडियो और इन द एजेंडा सीएसएस गूगल ड्राइव. सो डू चेक दैट आउट. फर्स्ट ऑफ ऑल, द एस्टिमेटेड फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू FBR रेवेन्यू is going to be 7,470 billion rupees. ठीक है, इतना revenue जो है FBR collect करेगा, ये estimated है. और उसमें से अगर आप provincial share minus कर दें, जो कि आप निकालेंगे according to the NFC award, 7th NFC award इस वक्त चल रहा है. अगर आपको नहीं पता कि NFC क्या है और उसकी distribution कैसे है, so do tell me in the comments below and I'll try to make another video on that topic as well. But the provincial share out of the FBR revenue will be 4,373. अगर आप ये उसमें से माइनस करेंगे तो नेट FBR रेवेन्यू फॉर फेडरल गवर्नमेंट जो कि रह जाएगा वो 3,097 billion rupees है. और उस ये तो टैक्स रेवेन्यू हो गया जो कि FBR कलेक्ट करेगा. उसके बाद हम आते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू पे. नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारे पास है जी 1,935 billion rupees. इन सारों को आप ऐड करें तो नेट फेडरल रेवेन्यू जो है, जो जाती फेडरल का अपना है, टैक्स प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू टोटल फेडरल के पास रह जाएगा 5,032 billion rupees. ओके, और सिर्फ इतना एक्सपेंडिचर नहीं है, जो हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है वो इससे कहीं ज़्यादा है, वो हम बोरोइंग से भी पूरा करेंगे. तो बोरोइंग पाकिस्तान कितनी करेगा, 4,547 billion rupees will borrow from either the internal lenders or the external lenders. Okay, so total resources come out to be 9,579 billion rupees. Next up is federal expenditure, ke wo kahan kahan paise lag rahe hain aur kitne kitne lagenge estimated in billions of rupees. First of all, there is the interest payment. पाकिस्तान के जो डेट्स हैं उनका इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट कितने पे करेंगे हम, 3,950 billion rupees. एंड द डिफेंस स्पेंडिंग 1,563 billion rupees. देन कम्स द पेंशंस, दीज आर 609 billion rupees. एंड टू रन द सिविल गवर्नमेंट पाकिस्तान नीड्स 553 billion rupees. तो ये मेन डिनोमिनेशंस हैं जो कि मस्ट हैव स्पेंडिंग्स हैं, इनके बगैर आपका चारा ही नहीं है, ये तो ongoing है. ठीक है, इनके बगैर आपका मुल्क या सिविल गवर्नमेंट जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती. सो दीज आर द मस्ट हैव स्पेंडिंग्स एंड इट टोटल कम्स आउट टू बी 6,675 billion rupees. और इसके अलावा जो कि स्पेंडिंग्स आपने प्लॉट की हुई हैं, एक्सपेक्टेड है, उनमें PSDP आता है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, और सब्सिडीज आती हैं, और इनका टोटल होगा 2,904. और टोटल अगर आप स्पेंडिंग्स को ऐड करें तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका बन जाएगा 9,579, विच इज़ बैलेंस्ड विद द टोटल रिसोर्सेज दैट द फेडरेशन इज एक्सपेक्टिंग. सो दिस इज द फेडरल बजट फॉर द फिस्कल ईयर 23. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई पाकिस्तान रिस्क्स सॉवरेन डिफॉल्ट. एंड द मेन रीजन इज दैट मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान्स डेट इज फॉरेन, इज बेस्ड ऑन फॉरेन लैंडिंग. पाकिस्तान ने बाहर से पैसा लोन लिया हुआ है, इसकी वजह से पाकिस्तान सॉवरेन डिफॉल्ट रिस्क कर सकते हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ डिनोमिनेशन, और वी जनरली कैटेगराइज इट एज डेट डिनोमिनेशन इन फॉरेन करेंसी एंड डेट डिनोमिनेशन इन लोकल करेंसी. तो अगर आपकी लोकल करेंसी में है तो दैट डेट इज हाईली मैनेजेबल लोकली, क्योंकि आप यू कैन जस्ट प्रिंट द मनी फ्रॉम योर सेंट्रल बैंक और द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, एंड यू कैन सिंपली go on and pay your lenders, that will be private banks or the even the state bank and others. You can simply pay them in the local currency and your debt will vanish or it will transform significantly. और इसकी एक जो prime example है वो है India. के India का जो debt है वो 90% of the GDP है.
90% ऑफ द जीडीपी, अंदाजा लगाएं पाकिस्तान का सिर्फ 66% ऑफ द जीडीपी है, बट स्टिल इंडिया हैज अ पॉजिटिव रेटिंग और अ स्टेबल रेटिंग विज अ वे द इकोनॉमिक इकोनॉमिक स्टैंडिंग एंड द आउटलुक फॉर द डेट। सो उसकी रीजन क्या है, क्योंकि इंडिया का लोकल करेंसी के अंदर डेट है ज्यादातर, उसमें से लोकल करेंसी में है, तो दे कैन इजीली प्रिंट मनी एंड पे इट, दैट इज व्हाई दे हैव अ स्टेबल डिनोमिनेशन और स्टेबल स्टैंडिंग इन द रेटिंग्स। बट पाकिस्तान रिस्क डिक्लेयरिंग सॉवरेन डिफॉल्ट, सॉरी टू से बट देर इज अ रिस्क। अभी पिछले कितने महीनों से ये बात चल रही है और हम IMF के साथ मुआहदे के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं, वो यही है कि पाकिस्तान को डॉलर मिल जाए, डॉलर में ही आपने डेट रीपेमेंट करनी होती है जो कि फॉरेन लेंडर से आप लेते हैं। तो अगर आपके पास डॉलर नहीं है, यू डू नॉट, यू फेल टू पे योर लेंडर्स, द वंस दैट हैव लोन्ड यू मनी, तो अगर आप उस चीज़ में फेल हो जाते हैं, आप उनको पैसे वापस नहीं कर सकते इन द सेम करेंसी दैट इज डॉलर और यूरो एटसेट्रा एटसेट्रा, देन यू डिक्लेयर सॉवरन डिफॉल्ट के हमारे पास पैसे नहीं है, वी आर आर डिफॉल्ट कंट्री। और इसकी प्राइम एग्जांपल्स में पाकिस्तान और श्रीलंका है, कि श्रीलंका तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है और पाकिस्तान भी इसी कैटेगरी में आता है, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा जो डेट प्रोफाइल है वो फॉरेन करेंसी के अंदर है, फॉरेन करेंसी डोमिनेटेड है। पाकिस्तान का टोटल डेट जो है वो 66% ऑफ द GDP है और उसमें से 35% जो है वो डॉलर डोमिनेटेड है। तो अंदाज़ा लगा लें कि इतना ज़्यादा हमारा जो डॉलर डोमिनेटेड डेट है उसको सर्विस करने के लिए उसकी इंटरेस्ट रीपेमेंट्स जो है वो कितनी क्रूशल होती हैं, एंड इफ़ वी आर अनएबल टू पे देन वी विल हैव टू वेरी सैडली डिक्लेयर सॉवरेन डिफॉल्ट। If you like the video, make sure you subscribe. Thank you very much.